हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। देखिए, कल के दिन में निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के नज़दीक जाके क्लोजिंग दी है और वहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन तो आएगी अभी, और क्योंकि जो 52 वीक हाई है वो जहाँ पे अचीव किया था पहला, वो अब जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट के लिए। और लेकिन बात करें अगर IRCTC की कल के दिन में तो शानदार 3.5% की तेजी यहाँ पे मार्केट ओपनिंग के टाइम से लेकर पूरा दिन फ्लैट ओपनिंग जो है सस्टेन करता नजर आ था, और 1 बजे के बाद जो है एकदम से शानदार मूव देखने को मिला और क्लोजिंग हुई 3.5% की तेजी के साथ में 666 रुपये पे। तो अच्छा मूवमेंट जो है लास्ट क्लोजिंग में कल के दिन में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के अंदर हमें देखने को मिला। 5 दिन का अगर डाटा देखेंगे तो ये ही आपको उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन हालांकि 4% के रिटर्न में बीते 5 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर 6.5-7% की तेजी दिखा चुका है IRCTC, 6 महीने के अंदर 1.5% की गिरावट, 1 साल का डाटा 12% पॉजिटिव, 5 साल में 327%, और मैक्सिमम रिटर्न्स की मैं बात करूं तो 327% जो है स्टॉक ने रिटर्न बनाकर दिए, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग है वो 18 अक्टूबर 2019 को 155 रुपये 83 पैसे पे है। ये इसका प्राइस एडजस्टमेंट के बाद का चार्ज है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है स्टॉक 4000 रुपये के लेवल को टच कर चुका है पहले, उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट अनाउंस किया और उसके बाद से सारे का सारा प्रोसेस आप लोगों को IRCTC में देखने को मिल रहा है। और जब भी कंपनी मोस्टली स्प्लिट अनाउंसेस करती है तो वहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग ऑटोमेटिक जो है स्टॉक्स में आती हुई देखने को मिल जाती है, और वही चीज़ IRCTC में भी देखने को मिल रही है। कल की तेजी के पीछे की वजह क्या थी, ये चीज़ यानी कि वॉल्यूम कल के दिन में बहुत ही ज़्यादा रहा। 55 लाख का वॉल्यूम, 22 लाख की डिलीवरी ऑलमोस्ट 40% की, जो कि 8-18-21 लाख के आसपास का वॉल्यूम था वो सीधा 55 लाख का रहा, और इसी की वजह से स्टॉक में 3.5% की अच्छी खासी तेजी कल के दिन में देखने को मिली और स्टॉक ने अच्छी खासी रफ्तार के साथ में क्लोजिंग दी भी है। साथ में अगर मैं बात करूँ कि देखिए, होल्ड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन टारगेट ऑफ ₹679 प्रभुदास लीलाधर, तो लीलाधर की तरफ से जो है 679 रुपये के टारगेट्स हैं स्टॉक के लिए, और साथ ही साथ में कम्युनिटी क्या कुछ कह रही है तो 100% ऑफ कम्युनिटी यहाँ पे बाइंग की तरफ इशारा करती हुई IRCTC के अंदर देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से IRCTC को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसी की सब्सिडरी RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल और IRFC, ये हमें इसी की एक सब्सिडरी के तौर पे काम करती हुई नज़र आ रही हैं तीनों कंपनियां। इन तीनों कंपनियां एक तरीके से पैनी शेयर के आसपास इनका स्टॉक प्राइस है, और उसी वजह से आने वाले टाइम में IRCTC की एक जो है रफ्तार के अंदर ये तीनों कंपनियां हो सकता है कि एक पुश का काम करती हुई नज़र आ सकती हैं। मई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की अगर बात करूँ तो 28 म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया और 22 म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक को सेल किया, तो 27,605 शेयर्स के आसपास का म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो है नेट चेंज होता हुआ देखने को मिला। हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग ज़्यादा दिखाई है, सेलिंग जो है कम दिखाई है, 28 की जगह 22 म्यूचुअल फंड्स ने सेल किया है और 28 ने बाय किया है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3,000 से 4,000 तक का प्रॉफिट अगर अर्न करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूं, और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप डेली का प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट सपोर्ट भी मैं प्रोवाइड करता हूं, जिससे टेक्निकल्स को समझने में आपको काफ़ी आसानी होती है। मार्केट कैप देखें IRCTC का तो 53,000 करोड़ का, रिटर्न ऑन कैपिटल 59%, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपये के आसपास की है। क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब की बार का 325 करोड़ का रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। साथ में अगर मैं बात करूँ प्रमोटर के स्टेक की, तो प्रमोटर का स्टेक 62.40% है पिछले क्वार्टर जैसा ही, FI का स्टेक जो है यहाँ पे डिक्रीज हुआ, म्यूचुअल फंड्स का स्टेक क्वार्टर फोर में इंक्रीज हुआ, और पब्लिक का स्टेक भी क्वार्टर फोर के अंदर IRCTC में डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब बात करें इन्फोसिस की, तो कल के दिन में देखें 3.20 रुपये की तेजी, 1290 रुपये पे स्टॉक क्लोज रहा, और 1400 रुपये के लेवल से क्वार्टर फोर के नतीजों के बाद सीधा स्टॉक आया 1200 रुपये के लेवल पे, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई। करंट लेवल्स पे भी आप बाइंग कॉल ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, बिल्कुल भी लेनी है अभी आपको। 5 दिन के अगर बात करूँ तो 0.42% की रिटर्न्स, 1 महीने में 3.5% की तेजी, 6 महीने में गिरावट आप लोगों को बड़ी खासी है 15% के आसपास की, 5 साल का डाटा 106% पॉजिटिव, और मैक्सिमम रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो 11,000% के आसपास तक के रिटर्न्स जो है इन्फोसिस लिमिटेड ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे भी चुका है। JP Morgan का अपडेट आ चुका है, और उसके अंदर देखिए JP Morgan क्या कह रहे हैं कि
एवरी आईटी सर्विसेज फर्म विल डिसअपॉइंट इन क्वार्टर वन, इन्फोसिस टीसीएस ऑन नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच। तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि क्वार्टर वन के नतीजों के अंदर जो है आईटी सर्विसेज फर्म जितनी भी हैं वो यहाँ पे डिसअपॉइंट करती हुई नजर आ सकती हैं। द ब्रोकरेज की अगर बात है तो द ब्रोकरेज हैव मेंटेन एन अंडरवेट रेटिंग ऑन इन्फोसिस विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1150। तो अभी 1200 रुपये के आसपास 1300 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से जो है ऑलमोस्ट 1150 रुपये तक के टारगेट्स यानी कि डाउनग्रेड अंडरवेट रेटिंग जो है इन्फोसिस की जेपी मॉर्गन की तरफ से हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रही है। सेकेंड अपडेट की बात करूँ तो इन्फोसिस अलोट्स 317,673 इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉयज एज स्टॉक ऑप्शन। तो अपने जो है यहाँ पे कंपनी जो है इन्फोसिस वो फ्री में शेयर बांटने वाली है कितनी, 317,673 शेयर्स। विद द अलॉटमेंट द पेड अप कैपिटल ऑफ द इक्विटी हैज इंक्रीज टू दिस नंबर डिवाइडेड इन टू दिस इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 इज। तो मतलब अच्छे खासे शेयर्स यहाँ पे अपने इंप्लॉयज को जो काफ़ी टाइम से कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फोसिस फ्री में शेयर्स जो है अपनी तरफ से बांटने वाली है जो काफ़ी टाइम से इन्फोसिस के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक की करूं तो 1% की तेजी देखने को मिली, 268 रुपये पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 5 दिन के अंदर 0.5% की गिरावट, 1 महीने में 6.5% की तेजी, 6 महीने में 14% और मैक्सिमम रिटर्न्स की मैं बात करूं तो देखिए 9 अप्रैल 2021 के आसपास लिस्टिंग 194 रुपये पे 550 रुपये के लेवल को टच कर चुका और वहां से जो है एक बड़ी गिरावट तो नहीं लेकिन हाँ करेक्शन जरूर हुई है। 43% के ओवरऑल मैक्सिमम रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने के अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो 6 महीने में 14% की गिरावट हो चुकी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो अब की बार का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 61 करोड़ के आसपास का रहा जो कि एक टाइम पे 119 करोड़, 85 करोड़, 100 करोड़ के आसपास का था। थोड़ा सा डिक्लाइनमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है लेकिन देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस जो है आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक में जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बात अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की करूँ तो करंट लेवल्स पे बाइंग करने के लिए बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के नज़दीक है और 27 जून को कंपनी यहाँ पे स्प्लिट करने जा रही है। अगर रेशियो रहा 1:10 का तो सीधा स्टॉक प्राइस आएगा आपका 384-400 रुपये के आसपास और वहाँ पे जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप जरूर इसके अंदर ले सकते हैं लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी आपको करंट लेवल्स पे नहीं उसके बाद जरूर देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में काफ़ी कमाल की कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बिल्कुल बाइंग की जा सकती है लेकिन अभी करंट लेवल्स पर बाइंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है।